स्वागत है आपका मगर न्यूज पर। आज हो गई है 18 अगस्त 2022 से गुरुवार का दिन। आज है भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि जो कि रात 9:19 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी यानी जन्माष्टमी शुरू होगी। जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले दंपति को जन्माष्टमी का व्रत जरूर से रखना चाहिए। साथ ही इस दिन श्री कृष्ण चालीसा का भी पाठ जरूर से करें। इस दिन चालीसा पाठ करने से व्यक्ति को लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही सभी दुख और विपत्ति से छुटकारा भी मिलता है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों के अपडेट में। देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की, तो इस वीडियो को अभी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो देखिए, किसानों के लिए कुछ खबरें। 3 लाख रुपए तक के लोन पर अब ब्याज में मिलेगी 1.5% तक की छूट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि के लिए दिए जाने वाले लघु अवधि के 3 लाख रुपए तक के लोन पर 1.5% ब्याज की सहायता को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 3 लाख रुपए तक का लोन लेने वाले किसानों को ब्याज में 1.5% तक की छूट मिलेगी। वह सरकार का कहना है कि कृषि क्षेत्र में पर्याप्त कर्ज उपलब्ध करवाने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। वही ब्याज सहायता योजना के तहत कर्ज देने वाले संस्थान, मसलन सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों और छोटे वित्त बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों और इसके अलावा कंप्यूटरगत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को वित्त वर्ष 2022-23 और 24-25 के लिए किसानों को दिए गए 3 लाख रुपए तक के लघु अवधि के कर्ज के एवज में 1.5% ब्याज की सहायता दी जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की। तब आईफोन हो या फिर एंड्रॉइड, काम आएगा एक ही चार्जर। सिंगल चार्जर के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाएगी सरकार। अब आपके पास आईफोन हो या फिर एंड्रॉइड फोन या फिर कोई दूसरा गैजेट क्यों ना आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपको अब चार्जर के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। दरअसल जल्द ही देश में बिकने वाले स्मार्टफोन, टैबलेट और दूसरे गैजेट के लिए एक ही चार्जर काम आएगा। आसान शब्दों में समझे तो कहे तो अभी तक आईफोन का चार्जर अलग होता था, वही एंड्रॉइड में भी टाइप 2 और टाइप सी पिन वाले चार्जर का इस्तेमाल होता है। अब सभी फोन के लिए एक ही चार्जर होगा। दरअसल उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने बुधवार को कहा है कि सरकार मोबाइल, टैबलेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए एक ही चार्जर की संभावना तलाशने को लेकर विशेषज्ञों के समूह का गठन करेगी। ये समूह 2 महीने में विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे। वह उद्योगों से जुड़े पक्षों के साथ बैठक के बाद सचिव ने कहा कि भारत शुरुआत में 2 प्रकार के चार्जर अपनाने पर विचार कर सकता है, जिसमें सी प्रकार के चार्जर भी शामिल है, यानी सी प्रकार के चार्जर वो शामिल है। हालांकि सरकार भी मानती है कि एक चार्जर की व्यवस्था बहुत ही जटिल है। उन्होंने कहा कि यह जटिल मुद्दा है, वह देश चार्जर के मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति में है। हम अंतिम निर्णय लेने से पहले उद्योग का उपयोग करता है उनसे विनम्रता और सभी के दृष्टिकोण को यहाँ पर हमें समझना है। सिंह ने कहा है कि प्रत्येक पक्ष का जो अलग है वो नजरिया है और उन मुद्दों पर अलग अलग विचार के लिए विशेषज्ञ समूह का गठन किया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो एफडी में निवेश करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, इन 3 बैंकों ने एफडी की ब्याज दरों में किया है बदलाव। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी, कोटक महिंद्रा बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। दरअसल इन तीनों बैंकों में अब एफडी कराना पहले से ज्यादा फायदेमंद होगा। दरअसल इन तीनों बैंकों ने एफडी की ब्याज दरों में इजाफा किया है। इनमें 0.75% का इजाफा हुआ है। 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर ये जो नियम है वो लागू है। वही पीएनबी और कोटक महिंद्रा बैंक की जो नई तरह है वो कल 17 तारीख से लागू हो गई है। वही उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो एफडी की जो ब्याज दर की बढ़ोतरी है वो 9 तारीख से ही कर दी गई है। वही बैंक की वेबसाइट पर इसके बारे में जानकारी दी गई है। वही चुनिंदा अवधि की एफडी पर ये जो बढ़ोतरी है वो हुई। इस बढ़ोतरी के बाद लोगों को 7.5% तक का ब्याज मिलेगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो महंगाई को लेकर बड़ी खबर देखिए। अमूल और मदर डेयरी का दूध महंगा, अब दही और छाछ और आइसक्रीम के भी बढ़ सकते हैं दाम। दूध की सप्लाई करने वाले देश की 2 सबसे बड़ी कंपनियां अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में मंगलवार को बढ़ोतरी का ऐलान किया था। ये वृद्धि बुधवार यानी कल से लागू हो गई है। वही अमूल और मदर डेयरी दोनों ने ही यहाँ पर दूध की कीमतों में 2-2 रुपए बढ़ाए हैं, यानी 2 रुपए की बढ़ोतरी की है। इसे सीधे तौर पर आम आदमी की जेब पर बोझ है वो बढ़ेगा ही, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भी परेशानी का सबब बनेगा। दरअसल दूध महंगा होने से इससे बनने वाले कई प्रोडक्ट जो है उनकी इनपुट लागत बढ़ जाएगी। इस बढ़ोतरी के बोझ से निपटने के लिए कंपनियों के पास 2 विकल्प होंगे। एक यांक वे प्रोडक्ट के साइज को घटाकर
कीमतों को यथावस्त बनाए रखे या फिर उत्पादों की कीमतों को बढ़ा दे। दो ये ऑप्शन उनके पास रहेंगे। वे दूध की कीमतों में इजाफे के बाद उससे बनने वाले प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं, जिसमें दही घी आइसक्रीम और कुछ चॉकलेट्स, लस्सी और पनीर और बटर और इसके अलावा ड्राई मिल्क शामिल है। इसके अलावा वे उत्पाद भी महंगे हो सकते हैं जो पूरी तरह से दूध से नहीं बनते हैं लेकिन उसमें दूध का इस्तेमाल होता है, जिसमें यहाँ पर फ्रूट शेक और खीर और मिठाइयाँ आदि यहाँ पर महंगी हो सकती है। वही 500 ml का जो अमूल गोल्ड का जो पैकेट है वो 31 रुपये और अमूल ताज़ा का 25 रुपये और अमूल शक्ति का 28 रुपये का मिलेगा। बात करें मदर डेयरी की तो मदर डेयरी का 1 लीटर का फुल क्रीम वाला दूध आपको 61 रुपये मिलेगा। इसके अलावा टोट का 51 और इसके अलावा डबल टोट का 45 रुपये में और गाय का दूध 53 रुपये में आपको मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो LIC पॉलिसी धारकों के लिए खुशखबरी, बंद हो चुकी पॉलिसी को फिर से करें चालू, 21 अक्टूबर तक का है मौका। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने बंद हो चुकी इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसी को फिर से चालू करने का मौका देते हुए एक कैंपेन शुरू किया। दरअसल LIC ने कहा है कि यूनिट लिक्विड इंश्योरेंस प्लान यानी ULIP छोड़कर बाकी सभी पॉलिसियों को स्पेशल कैंपेन के तहत विलंब शुल्क में छूट के साथ फिर से चालू किया जा सकता है। यह अभियान 17 अगस्त 2022 से शुरू हो गया है और ये 21 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। वही बयान के अनुसार ULIP जो है इसके अलावा सभी पॉलिसियों को पहली प्रीमियम में चूक की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के भीतर कुछ शर्तों के साथ फिर से चालू किया जा सकता है। बीमा कंपनी ने कहा है कि माइक्रो बीमा पॉलिसी के लिए विलंब शुल्क पर 100% छूट दी जाएगी ताकि रिस्क को कवर किया जा सके। ये कैंपेन उन पॉलिसी धारकों के लिए लाभ उनके लिए शुरू की गई है जो किसी कारण से प्रीमियम का भुगतान करने में सक्षम नहीं थे और उनकी पॉलिसी बंद हो गई थी। बात करते हैं अगली खबर की। तो अब लगातार गिर रहे हैं कच्चे तेल के दाम, अब इतना हुआ है सस्ता, पेट्रोल डीजल सस्ता होने की उम्मीद है बड़ी। कच्चे तेल की कीमतों में आग अब धीरे धीरे शांत हो रही है। दरअसल जो ब्रेंट क्रूड है अब $55 प्रति बैरल के स्तर से नीचे आ चुका है। देखा जा रहा है कि आज ब्रेंट का क्रूड में बढ़त देखने को मिल रही है, हालांकि बढ़त के बाद भी कीमतें $53 प्रति बैरल के स्तर पर बनी हुई है। दरअसल चीन सहित दुनिया भर के कई जो बड़ी अर्थव्यवस्था उनमें मध्य की आशंका बनी हुई है, जिससे क्रूड की मांग में गिरावट बन रही है। वही अमेरिका में बढ़ते स्टॉक से घटती डिमांड के संकेत मिले हैं। वही भारत जैसे कच्चे तेल के आयातकों के लिए ये एक अच्छी खबर है, इससे तेल कंपनियों का जो घाटा है वो कम होगा। वही आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट की भी उम्मीद बढ़ेगी। दरअसल भारतीय समय अनुसार सुबह 6 बजे कारोबार में अक्टूबर 2022 के कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो क्रूड ऑयल है उसका भाव में करीब 0.5% की बढ़त के साथ $92.81 प्रति बैरल के स्तर पर था। वही WTI क्रूड भाव जो है वो 0.5% से ज़्यादा बढ़त के साथ $87.11 प्रति बैरल के स्तर पर था। अब तक के कारोबार के अनुसार कच्चा तेल $92.17 प्रति बैरल से यहाँ पर $92.94 प्रति बैरल के बीच रहा। बात करते हैं अगली खबर की। तो महाराष्ट्र सरकार ने कर्मचारियों को दिया है तोहफा, 3% बढ़ाया है महंगाई भत्ता। महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा का ऐलान किया। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी करने के बाद राज्य कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है वो 31% से बढ़कर 34% हो गया है। वही महाराष्ट्र राज्य के सरकार के सरकारी जो कर्मचारी है उनके बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा अगस्त 2022 से उनको मिलना शुरू हो जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते बढ़ाने का ऐलान किया है। वही महंगाई भत्ते के ऐलान के बाद महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 3% तक की बढ़ोतरी और यहाँ पर जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिलेगी, यानी इस बार उनको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। बता दें आपको कि महंगाई भत्ते का इजाफा जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसने भी किया है। 6% का बढ़ोतरी छत्तीसगढ़ सरकार ने किया था, इसका ऐलान मुख्यमंत्री ने किया था। बात करते हैं अगली खबर की। तो उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार स्वरोजगार के लिए देगी 50 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का यहाँ पर दशा झेल रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर। दरअसल खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग स्वरोजगार योजना उसके तहत युवाओं को सरकार अब 25 लाख रुपए की बजाय 50 लाख रुपए का जो प्रोजेक्ट ऋण है वो यहाँ पर सरकार की ओर से दिया जाएगा, नहीं प्रोजेक्ट पर ऋण दिलाया जाएगा। वह प्रोजेक्ट आधारित ऋण योजना के विस्तार का लाभ युवाओं को होगा। खादी ग्रामोद्योग विभाग बैंकों के माध्यम से 4% ब्याज पर ऋण दिलाता है। वही आरक्षित वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक और महिला एवं भूतपूर्व सैनिक जो दिव्यांग है उनको और युवाओं को समस्त
ब्याज की जो धनराशि है उसमें उपदान के रूप में विभाग से मात्र टर्म लोन यानी पूंजीगत ऋण पर अनुमान्य है। वही कुल परियोजना का लागत में सामान्य पुरुष वर्ग को अपना स्वयं का अंशदान 10% और आरक्षित वर्ग के लिए 5% होगा। वह 18 से 50 वर्ग के आयु वर्ग के बेरोजगार जो मतलब बेरोजगार है वो विभाग की वेबसाइट पर upkvip.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।